वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उषा सांगवान इंग्लिश वाली। आइए आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कराती हूँ और मैं सब लोगों को ये अश्योर कराती हूँ कि अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर को मजबूर करना है भाई हमें यहाँ पे, ताकि वो हमें 4 में से 4 मार्क्स दे। मैं आपको एज ए CBSE चेकर भी यही बात बता रही हूँ कि कोई कोई किसी की हिम्मत नहीं है जिस पैटर्न से मैं बताऊंगी ना कि एग्जामिनर आपके मार्क्स काट ले। कहाँ कहाँ मार्क्स कटते हैं, किन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है, नोटिस का मतलब क्या होता है, नोटिस हमें किस तरह से लिखना चाहिए, उसका बॉडी पैटर्न क्या है, उसका डाइवर्जन ऑफ मार्क्स किस तरह से हैं, तो चलिए आज हम आपको यही समझाने जा रहे हैं। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये है बेटा कि नोटिस राइटिंग आपके 4th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। 4th है, 5th है, 6th है, 7th है, 8th है, 9th में जाकर के राइटिंग स्किल चेंज होती है, फिर 10th में, फिर अगर आप कई बार 11th में दे देता है, कई बार नहीं दे देता, फिर कई बार जो ना आपको 12th में तो है ही है। सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है, सबसे पहले हमें ये जानना है कि नोटिस होता क्या है, व्हाट इज नोटिस एक्चुअली। नोटिस मीन्स टू गिव इंफॉर्मेशन टू समवन अबाउट द इवेंट, अबाउट द प्रोग्राम विच इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। जो प्रोग्राम, जो इवेंट फ्यूचर में होंगे उनको क्या कहते हैं, नोटिस राइटिंग के थ्रू दिया जाता है। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं नोटिस राइटिंग, जो स्टूडेंट सचमुच जो है ना पढ़ना चाह रहे हैं और जो सिक्योर करना चाह रहे हैं, अपनी मुट्ठी में 4 मार्क्स को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, चलिए उषा सांगवान इंग्लिश वाली के साथ सिखाते हैं। नोटिस का मतलब क्या होता है, टू गिव इंफॉर्मेशन फॉर व्हाट, टू गिव इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोग्राम, फॉर द इवेंट, फॉर द इंसिडेंट विच इज गोइंग टू टेक प्लेस इन फ्यूचर। अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि नोटिस को हमें लिखना किस तरह से चाहिए। मैं आपको कुछ वर्बल इंस्ट्रक्शंस पहले दे देती हूँ, उसके बाद आपको बोर्ड पे समझाऊंगी कि आपको करना क्या है। बिफोर राइटिंग नोटिस राइटिंग, नोटिस राइटिंग लिखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके यहां पर क्लिक होना चाहिए। पहली बात तो यू शुड नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट, दैट इज 50 ओनली, 50 वर्ड लिमिट होनी चाहिए। ऑल द पार्ट्स ऑफ द नोटिस राइटिंग फॉर्मेट, ऑल द पार्ट्स ऑफ द फॉर्मेट शुड बी इन कैपिटल लेटर, सारे कैपिटल लेटर में होना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है ना बेटा नोटिस राइटिंग के अंदर, मैं आपको लिटरली जो सच बता रही हूं वो यही है, सिर्फ आपको एग्जामिनर को बेवकूफ बनाना है बाय मेकिंग ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। अगर आपने बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन के साथ वो चीज दी ना, एग्जामिनर की क्या मजाल जो आपके मार्क्स काट ले भाई, 101% आपको अश्योरिटी दिला रही हूं मैं। सबसे पहली बात, नेम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इन कैपिटल लेटर इन द सेंटर ऑफ द लाइन। सेकंड विल बी नोटिस राइटिंग इन कैपिटल लेटर। थर्ड विल बी डेट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। डेट भी 2 तरीके से लिखी जाती है, किस किस तरीके से लिखी जाती है वो हम आपको बताएंगे। दूसरी, थर्ड, फोर्थ क्या होगा, हेडिंग ऑफ द नोटिस राइटिंग। फोर पॉइंट्स मैंने बता दिए फॉर्मेट के। फॉर्मेट के 6 पार्ट कंसिस्ट होते हैं, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, व्हाट एवर इट मे बी। सेकंड, नोटिस राइटिंग जो हमें वहां मेंशन करना है। थर्ड क्या होती है, डेट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, डेट आएगी। फोर्थ वन इज द हेडिंग ऑफ टॉपिक, इससे रिलेटेड हम टॉपिक लिख रहे हैं उसकी हेडिंग। और उसके बाद में आती है बॉडी ऑफ द नोटिस राइटिंग एंड एट द एंड। एट द एंड में क्या रहेगा आपके पास में, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको जो लिखना है वो लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में क्या होगा, जैसे आपका कोई हेड बॉय है, हेड गर्ल है, तो वो लिखेंगे विद सिग्नेचर। मतलब आपने क्या करना है, पहले तो आपको वो अथॉरिटी मेंशन करनी है। कई बार सेक्रेटरी लिख रहा होता है, कई बार जो है ना हेड बॉय लिख रहा होता है, कई बार प्रिंसिपल लिख रहा होता है, ये कौन लिख रहा होता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक नोटिस को शुरुआत करने के लिए किस तरह से, किस किस पेज में हम किस तरह से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, चलिए बोर्ड पे देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या हम, नोटिस राइटिंग। देखो इसमें क्या करना है आपको, नेम ऑफ स्कूल ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिक इंस्टीट्यूट और एनी सोसाइटी, ये सारे के सारे आपके, ये हेडिंग, ये जो हेडिंग रहेगी
आपको इस वाले पोर्शन पे इन द सेंटर सेंटर ऑफ द पेज, पेज का जो सेंटर होगा जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो उसके बीच में लिखेंगे। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एग्जामिनर को बेवकूफ बनाना है जिससे कि हमें एग्जामिनर क्या दे दे, 4 out of 4 मार्क्स दे दे। लास्ट ईयर तक ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, इस साल फिर इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया और ये हमारा जो रहेगा वो कितना रहेगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे बड़ी बात, हमने क्या लिखा, नेम ऑफ स्कूल होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा या फिर कोई इंस्टीट्यूट है या सोसाइटी, सब किस में आएगा हमारा, ये आएगा इन CL, बोले तो कैपिटल लेटर। उसके बाद सेकंड जो लाइन रहेगी वो नोटिस राइटिंग, हम क्या लिखेंगे बेटा यहां पर, नोटिस राइटिंग। और ये जो नोटिस राइटिंग रहेगा वो भी किस में रहेगा बेटा, CL में रहेगा, मतलब कैपिटल में। अब आती है बात यहां पर डेट की। अब डेट देखो, डेट हमें क्या करना पड़ता है, दो तरह से डेट लिख सकते हैं हम, कैसे, अब देखो डेट हमें DATE मेंशन नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। किस तरह से लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज है हमारा November 7, 2023, राइट, या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 7th November, 2023। लेकिन मैं आपको ये जो बता रही हूं बींग ए CBSE चेकर बता रही हूं, क्योंकि मैं CBSE की कॉपीज भी चेक करती हूं, अगर आप इसे लिखते हैं तो मैं ज्यादा इसको प्रेफर करती हूं, इवन सभी लोग इसी को प्रेफर करते हैं। ये भी करेक्ट है, बोथ द पैटर्न आर करेक्ट, मार्क माय वर्ड, दोनों पैटर्न करेक्ट है, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, बट इट इज अपडेटेड, ये अपडेटेड है। एंड देन हम क्या लिखेंगे यहां पर, हेडिंग, हेडिंग ऑफ नोटिस राइटिंग, जो हमारा जो मेन है उसका हेडिंग इन कैपिटल लेटर। तो हमें क्या करना है, इसको भी कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। तो जो मेन मुद्दे की बात थी वो क्या थी, हमारे पास में नोटिस राइटिंग को लिखने के लिए। अब हम देखते हैं डिवीजन ऑफ मार्क्स हमारा किस तरह से होता है। तो जिसको नोट करना है कर लो, नेम ऑफ नोटिस इन कैपिटल लेटर, नोटिस राइटिंग इन कैपिटल लेटर, यहां पर डेट और हेडिंग इन कैपिटल लेटर। अब आप ये देखो, अब आप हमें क्या करना है, मेन आते हैं अब मुद्दे पे, फॉर्मेट, इसका डिवीजन ऑफ मार्क्स किस तरह से बनता है वो देखो आप, डिवीजन ऑफ मार्क्स किस तरह से बनेगा हमारा। जैसे अगर हमारा 4 मार्क्स का है तो हमारा फॉर्मेट रहेगा किसका, 1 मार्क का, ये ध्यान रखना, फॉर्मेट रहेगा 1 मार्क का। उसके बाद आएगा हमारा कंटेंट, कंटेंट रहेगा 1.5 मार्क्स, और उसके बाद रहेगा हमारा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में क्या रहेगा आपका 1.5 मार्क्स, डेढ़ 3 और 1 ये 4, ये रह गए हमारे 4 मार्क्स। और फॉर्मेट में हमारे पास क्या क्या कंसिस्ट करेगा, हेडिंग, नोटिस राइटिंग, नेम मतलब डेट, और जो मेन हेडिंग रहेगी वो, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग के अंदर सिग्नेचर विद डेजिग्नेशन, ये वाला पार्ट जो ना हमारा मेन रहेगा, समझ गए आप लोग। अब ये तो था हमारा फॉर्मेट का, अगर आपकी ये 6 के 6 चीजें सही हैं तो एग्जामिनर आपका कोई भी 1 मार्क्स भी नहीं काट सकता। अब रहती है बात कंटेंट की, किस टॉपिक पे नोटिस लिखा जा रहा है वो नोटिस। अब हमें ये देखना है कि हमें नोटिस की शुरुआत कुछ बार, कई बार हम क्या करते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म से शुरू करते हैं, कई बार हम क्या लिखते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स से शुरुआत करते हैं। तो आपका आज यहां पर मैं जुगाड़ करा रही हूं और ये सॉलिड वाला जुगाड़ है कि आप डेट नंबर कैसे लेंगे। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन बेटा वो मेरे हाथ में नहीं है, वो इसलिए हाथ में नहीं है क्योंकि अगर आपकी ग्रामर अच्छी है ना, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो कोई मार्क्स काट ही नहीं सकता, अगर ग्रामर अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा इश्यूज हो जाते हैं क्योंकि नोटिस हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में लिखा जाता है, और अगर आप पास्ट टेंस में लिख रहे हो तो एग्जामिनर क्या करेगा, मजबूरन फिर नंबर काटेगा ही ना। तो इस बात का ध्यान आपको देना है कि ये क्या क्या होता है, इट शुड बी रिटन इन फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस और प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। अगर आप नोटिस किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए लिख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वक्त के ऊपर बात करके चलूंगी कि देखो ये ड्यू टू पोल्यूशन क्या हुआ, आपका जो ना स्कूल ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, कौन सी क्लास से, क्लास 1 से 5 तक। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हमें क्या है, स्पेसिफिकेशन दिया गया है, स्पेसिफिकेशन दिया गया है कि क्लास 1 से लेकर 5 तक के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए क्या किया जाएगा, स्कूल विल रिमेन क्लोज। तो हम क्या यहां क्या लिखेंगे, जैसे हमने लिखा ABC स्कूल, फिर हमने लिखा नोटिस राइटिंग, फिर हमने लिखी यहां पर
नवंबर 7, 2023 फिर हमने यहां लिखा करें क्लोजिंग ऑफ स्कूल, ऑफ स्कूल ये कैपिटल में आएगा, मैंने स्मॉल में लिखा है, ध्यान रखना। अब यहां पर क्योंकि क्लास स्पेसिफाई करी गई है इसलिए इसकी शुरुआत किससे रहेगी, दिस इज टू अप्राइज यू, अप्राइज ऑब्लिक इन्फॉर्म यू दैट, दिस इज टू इन्फॉर्म यू और ब्रैकेट में 1 to 5 दैट आर स्कूल, आर स्कूल आर की जगह पे लिखो स्कूल विल रिमेन क्लोज, स्कूल विल रिमेन क्लोज, रिमेन क्लोज फॉर 1 week ड्यू टू पॉल्यूशन। हमने यहां पर लिखा, अब हम यहां पर भी लिख सकते थे डेट। नोटिस में हमेशा एक बात का और ध्यान रखना, टाइम डेट एंड वेन्यू आर द हार्ट ऑफ द नोटिस राइटिंग, वो नोटिस राइटिंग होते हैं। वहीं पर ये तो क्लास 1 से लेकर के 5th तक था, अगर पूरे स्कूल्स बंद कर दिए जाते जैसे कोविड में हुआ था, पूरे स्कूल्स बंद थे, ऑनलाइन मोड में थे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड। अगर बात सभी स्टूडेंट्स की आती है तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, ऑल द स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिखेंगे, हमें यह ध्यान रखना है ऑल द स्टूडेंट्स आर, उसकी जो ओपनिंग लाइनें रहेंगी वो क्या रहेंगी, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय, एक इकट्ठा वर्ड आइए, हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट स्कूल विल रिमेन क्लोज फॉर ऑल द क्लासेस हाउ एवर ऑनलाइन क्लासेस विल बी हेल्ड, हाउ एवर ऑनलाइन क्लासेस विल बी हेल्ड। ठीक है, तो हमें यह करना होगा फ्रॉम इस डेट से इस डेट तक, टाइमिंग ये वाली जगह, ठीक है, क्योंकि टाइम डेट वेन्यू ये सब हमें लिखना होता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर जैसे हमने यहां पर लिख दिया हेड बॉय, और ऊपर हम क्या कर देंगे यहां पर सिग्नेचर लिख देंगे, ये हेड बॉय ने लिखा है या प्रिंसिपल ने लिखा है, और उसके बाद नाउ कीप इट इन इन बॉक्स, उसके बाद हमें क्या करना है, कीप इट इन बॉक्स, इसको हमें बॉक्स में लिखना है, क्योंकि अगर हम इसको बॉक्स में नहीं लिखते हैं तो उसके मार्क्स भी हमारे डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये था आपका नोटिस राइटिंग, ध्यान रखना है टाइम डेट वेन्यू, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको सब कुछ। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो आप मुझे नीचे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।